Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun, and I'm here to discuss the question of the day. And in case you have any doubts, you can use the contact info given. So this is day 18 and today's question is of the topic torque. A small hamster is put into a circular wheel cage which has a frictionless central pivot. A horizontal platform is fixed to the wheel below the pivot. Initially, the hamster is at rest at one end of the platform. When the platform is released, the hamster starts running. But because of the hamster's motion, the platform and the wheel remain stationary. Determine how the hamster moves. तो चलिए हमारे को एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये जो हैमस्टर है ये इस प्लेटफॉर्म पर चलने की कोशिश कर रहा है ना? लिखा है when the platform is released, the hamster starts running. ये भाग रहा है actually, है ना? लेकिन इस हैमस्टर के मोशन के कारण क्या हो रहा है? ना तो प्लेटफॉर्म और ना ही व्हील, ये दोनों कोई भी मोशन में नहीं आ रहे. बोथ ऑफ देम आर एट रेस्ट. ऑल राइट, तो इस सवाल को अच्छे से समझने के लिए मैंने एक डायग्राम यहां पर बनाया है. थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम है. लेट अस से कि ये जो हैमस्टर है वो इस समय इस ऑरेंज वाले पॉइंट पर है ना? तो मैंने ये भी शो किया कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी दूरी सेंटर से एग्जैक्टली मान लीजिए एच है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने शो करा है. अब मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर ये जो हैमस्टर है ये इस प्लेटफॉर्म के सेंट्रल पॉइंट से मान लीजिए कि एक्स दूरी पर है. ऑलराइट, तो चलिए सोचते हैं कि हैमस्टर जो है कौन कौन से वैरायटी का फोर्स लगा रहा होगा इस समय इस प्लेटफॉर्म पर, और ये भी देखते हैं कि हैमस्टर पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, है ना? तो एक तो फोर्स मुझे दिख रहा है कि mg इस हैमस्टर पर लग रहा है नीचे की तरफ, करेक्ट? एक तो ग्रेविटी जो है वो हैमस्टर पर फोर्स तो लगाएगी ही लगाएगी. साथ ही साथ सवाल में हमारे को ये दिया हुआ था कि वो जो है भाग रहा है ना? तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हैमस्टर इस समय मान लीजिए टुवर्ड्स लेफ्ट भाग रहा है तो उसको आगे की तरफ क्या चाहिए? उसको आगे की तरफ चाहिए एक फोर्स जो उसे आगे की तरफ एक्सेलरेट करवाए. राइट, तो ऑब्वियस है कि ये फोर्स कौन दे रहा होगा इसे? ये फोर्स दे रहा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि हैमस्टर और प्लेटफॉर्म के बीच में एग्जिस्ट करता है. राइट, तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि इस हैमस्टर पर एक तो फोर्स mg लग रहा है और एक फोर्स कौन लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है. इसके अलावा और कौन सा फोर्स लग रहा है इस हैमस्टर पर? इस हैमस्टर पर लग रहा होगा एक और फोर्स विच इज ड्यू टू द प्लेटफॉर्म जो कि कहलाएगा नॉर्मल रिएक्शन, है ना? ये नॉर्मल रिएक्शन भी इस हैमस्टर पर लग रहा है जो कि ऊपर की तरफ है. अब जरा सोचते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर ना कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ना. मैंने प्लेटफॉर्म को अलग से दिखाया यहां पर, और प्लेटफॉर्म पर इस मोमेंट पर लग रहा होगा कौन सा फोर्स? एक तो लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन. क्यों ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है? क्योंकि प्लेटफॉर्म अगर हैमस्टर पर लगाएगा ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, तो बदले में हैमस्टर भी तो प्लेटफॉर्म पर लगाएगा नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन. करेक्ट है यहां तक? उसके अलावा आप ये देखिए कि अगर ये हैमस्टर जो है ना वो अगर फ्रिक्शन लगा रहा है, उस पर फ्रिक्शन लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हैमस्टर टुवर्ड्स राइट लगा रहा होगा फ्रिक्शन किसके ऊपर? वो लगा रहा होगा टुवर्ड्स राइट फ्रिक्शन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर. तो चलिए बेसिकली मैंने एक नया डायग्राम बना करके आपको ये दिखाना चाहा है कि ये जो हैमस्टर है उसने इस प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से फोर्सेस लगाए. एक तो लगाया नॉर्मल एंड द अदर फोर्स दैट ही एक्सर्टेड वाज फ्रिक्शन. तो अब हमें सवाल में ये गिवन है कि ये जो प्लेटफॉर्म है और जो एंटायर व्हील है ना, मतलब जो पूरा का पूरा व्हील केज है, इट रिमेन्स इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन और नॉर्मल इन दोनों के टॉर्क के वजह से नेट टॉर्क कितना आ रहा होगा इस व्हील केज सिस्टम पर? जीरो. राइट, तो चलिए हम लोग सेंटर के अबाउट देखते हैं यहां पर कि कितना कितना टॉर्क इन दोनों का बन रहा है ना. तो अगर मैं सेंटर के अबाउट देखूं कि इस नॉर्मल का टॉर्क कितना आ रहा है तो मैं क्या कहूंगा? मैं इससे कह दूंगा कि ये मेरा लेवर आर्म है और ये दूरी मैंने कितनी बोली थी? मैंने कही थी कि इस समय मान लीजिए ये इस सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म से एक्स डिस्टेंस दूर है. राइट, यही तो मैंने कहा था उस समय.
तो इस नॉर्मल का टॉर्क कितना आ गया, टॉर्क बिकॉज ऑफ नॉर्मल आ गया एन इंटू एक्स। इसी तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, ये मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं ना, इसी तरीके से टॉर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा। अब उसके लिए मुझे ये वाली लेंथ चाहिए होगी जो कि मैंने एच कहा है ना, फ्रिक्शन को अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एच है वो उसके लिए लेवर आर्म का काम करेगा, तो ये बन जाएगा फ्रिक्शन इंटू एच। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये दिख रहा है कि फ्रिक्शन का जो टॉर्क है अबाउट द सेंटर है ना, वो कैसा आ रहा है, वो आ रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, और नॉर्मल की वजह से जो टॉर्क आ रहा है अबाउट सेंटर वो कैसा आ रहा है, वो आ रहा है क्लॉकवाइज। तो दोनों टॉर्क को आपस में मैग्नीट्यूड वाइज क्या होना पड़ेगा, बिल्कुल बराबर होना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई शुड राइट इज एन एक्स इक्वल टू एफ इंटू एच। अब जरा आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि इस समय इस हैमस्टर का एक्सेलरेशन ए है ना, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगना चाहिए, एफ शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए, क्योंकि यही तो फोर्स है जो इस हैमस्टर को आगे ले जा सकता है, और उसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एग्जैक्टली एमजी को बैलेंस कर रहा होगा। अगर मैं ये हैमस्टर बनाऊं तो हैमस्टर पर मैंने शो किया था कि आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, और मैंने शो किया था नीचे की तरफ एमजी लग रहा है और ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, तो नॉर्मल शुड गेट बैलेंस्ड बाय एमजी क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही मोशन कर रहा है, और फ्रिक्शन जो कि अनबैलेंस्ड फोर्स है वही किसका कॉज है, एक्सेलरेशन ए का कॉज है। सो आई शुड रिप्लेस कैपिटल एन विद एमजी, सो द लेफ्ट हैंड साइड हैज बिकम एमजी एक्स एंड द राइट साइड हैज बिकम, इफ वी रिप्लेस एफ विद एम ए इट हैज बिकम एम ए इंटू एच। सो व्हाट हैव आई गॉट, मेरा एम और एम तो कट गया, तो यहां से एक्सेलरेशन बराबर कितना आ गया, एक्सेलरेशन बराबर आ गया जी एक्स बाय एच। आई होप यहां तक बात आपको क्लियर होगी। अब जरा इस सेंटर के अबाउट देखिए कि जब इसका डिस्प्लेसमेंट है ना, जब इस हैमस्टर का डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट है तो एक्सेलरेशन इस हैमस्टर पर कैसा लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप, जब इस सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म से टुवर्ड्स राइट एट अ डिस्टेंस एक्स ये हैमस्टर है तो उस पर एक्सेलरेशन कैसा लग रहा है, ए लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। सो आफ्टर मेकिंग ड्यू अलाउवेंस फॉर इट्स डायरेक्शन द एक्सेलरेशन कैन दस बी रिटन एज ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एक्स बाय एच है ना। ये इक्वेशन मैंने कब लिखी है, ग्रीन वाली इक्वेशन, अभी आफ्टर मेकिंग अलाउवेंस फॉर इट्स डायरेक्शन, करेक्ट। तो हमारे को ये दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये किसे रिजेंबल कर रही है, ये रिजेंबल कर रही है एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जैसी इक्वेशन को, याद आ रही है आपको, आपने पढ़ा होगा इसे एसएचएम में। तो यहां पर हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ए अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जैसा दिख रहा है तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई जो हमारे को कांस्टेंट दिख रहा है अंडर रूट ऑफ जी बाय एच है ना, तो यहां पर अंडर रूट जी बाय एच इज प्लेइंग द रोल ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो दैट मींस कि जो रिक्वायर्ड मोशन ऑफ द हैमस्टर है ना वो क्या है, इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एच, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो कितना मजेदार केस हो गया ये, जिसमें हम लोग हैमस्टर को छोड़ दिए और वो इस तरीके से अगर रन करे सच दैट कि ये व्हील और प्लेटफॉर्म दोनों ही जो है वो रुके रहे, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हैमस्टर एग्जैक्टली किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, एग्जैक्टली वो प्लेटफॉर्म के सेंटर पॉइंट को ना सेंटर ऑफ ऑसिलेशन मानते हुए क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ऑल राइट, सो आई होप कि आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, वी विल मीट टुमारो अगेन विद अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, टिल देन बाय बाय।